एनपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक मिधोली कला में स्थित नगला भरी गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 9 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 15 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने अर्जुन सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 2500 की आबादी एवं 1600 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 256 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 180 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 23 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसी टाइल्स रोड, 50 खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, आंगनवाड़ी केंद्र, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। अर्जुन सिंह है, ग्राम पंचायत निकला अपनी विकास खंड में निकला जनपद विकास प्लान हूँ। मैंने जो है अपनी प्लान की रेट में तकरीबन 50 खंजा करवाए हैं और 4-5 सीसी करवाई हैं, 20 जगह नाली करवाई हैं तकरीबन, और 15-20 हैंडपम्प लगवाए हैं किसी के माध्यम से। अभी हमें जो है ज़रूरत है ग्राम पंचायत में बारात घर की ज़रूरत है, अभी हमें जो है आंगनबाड़ी केंद्र की ज़रूरत है, और हमको अभी रात में स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, और हमको सोलर लाइट की ज़रूरत है, हैंडपम्प की ज़रूरत है, ये जो हमें आवश्यकता है। जैसे सांसद विधायकों को जैसे पेंशन मिलती है, वेतन मिलता है, ऐसे ही हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं और हमें जो है पब्लिक से चुनकर जाना पड़ता है, तो हमारी भी पेंशन की व्यवस्था हो, वेतन की व्यवस्था हो, ये हम सरकार से मांग करते हैं अपनी। हमने करीब अभी तक 150 शौचालय बन चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, अभी हमारे 100 शौचालय बाकी हैं जो बढ़ रहे हैं, कार्यरत हैं, उनका काम जो है चल रहा है, वो भी हम महीने के अंदर संपूर्ण चुके हैं, ग्राम को शौचालय से कर देंगे।